रात में 3 बजे, 3:30 से 4 बजे के बीच में उठी, उठ के लाइटिंग चली गई बाहर। जो लाइटिंग गई तो उसके 4 बजे मम्मी हमारी हमें जगाई, कहे कि बेटा मिंकू नहीं है, अभी लाइटिंग गई थी। तो हमने कहा हम उठे फटाक से, हमने ढूंढना चालू कर दिया। हम लोगों ने घर पे सबके घरों में देखा, पूरे जितने घर थे सबके घर में देखा, कहीं नहीं दिखी। तो हमने भैया को फोन किया तुरंत, हमने भैया को बुलाया, हमने भैया देखो मिंकू नहीं मिल रही है, भैया आए, फिर सबको फोन किया आपस में, हम लोगों सब लोगों को ढूंढना चालू कर दिया। वो कहीं पता ही नहीं चला कि वो किधर गई है, कहाँ है, पता ही नहीं चला उसका कि वो कहाँ गई है। वो ढूंढते ढूंढते 8 बज गया, 8 बजे हम 12 बंकी निकल लिए, 12 बंकी की तरफ ढूंढने के लिए। हमने कहा बाहर ढूंढेंगे, अब यहाँ था तो दिख नहीं रहे, बाहर ढूंढेंगे। और भैया चौकी चले गए, फिर भैया को किसी ने फोन करके बुलाया हमारे कि तुम्हारी बहन यहाँ बंधी हुई पड़ी है। फिर उसके बाद फिर क्या बातचीत हुई, क्या पता चला, क्या हुआ? हाँ, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, भैया लोहिया लेके चले आए, हम आए, हम जब आए तो मुझे पता चला कि हाँ उसके साथ 3 लोगों ने रेप किया है। पुलिस ने हमसे कुछ नहीं कहा। कितने लोग बता जा रहे हैं उसके? वो 3 लोगों को बता रही है, 3 लोग। वो स्प्रे डाल के कह रहे थे हमें सड़क से उठा लेंगे स्प्रे डाल के। उनको जानती है क्या वो? एक नाम ले रहे बताया, एक नाम बताया और जानती किसी को नहीं है। क्या नाम बता रही थी? पवन, कुछ पवन करके कुछ है। अच्छा, तो क्या उसको, उसकी जब आप लोगों ने देखा तो हालत कैसी थी? हालत गले में फंदा लगा हुआ था, पैर बंधे हुए थे, बिल्कुल सांसें सिर्फ चल रही थी बस, वो उसे मरा हुआ समझ के फेंके थे। उसको मारने की कोशिश की गई थी। अभी क्या चाहते हैं हम लोग? क्या चाहते हैं हम लोग? चाहते हैं फांसी, उनको फांसी हो, हम फांसी के अलावा कुछ नहीं चाहते। पुलिस ने मदद किया हम लोग? पुलिस लगी तो है मदद के लिए। वो हमारे साथ बातचीत करने के अजय राय जी है। अजय राय जी, आज इस तरीके से आप पीड़िता से मुलाकात करने आए हैं, क्या बातचीत हुई आपको? नहीं, सीएमएस से मुलाकात हुई, सीएमएस ने कहा है कि अंडर कंट्रोल है, और पर ये पूरी तरीके से बहुत ही स्थिति खराब है, और बच्ची के साथ जो अमानवीय कृत्य किया गया है, मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर ये चीजें चल रही है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार हो, चाहे बहराइच हो, चाहे लखनऊ में अमन गौतम का मामला, या फिर क्या देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात, बड़े बड़े दावे किए पूरे, खास करके बच्चियों के साथ इस तरीके का अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं। अयोध्या में भाजपा के नेताओं के बच्चों के द्वारा रेप किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई घर नहीं गिराया गया। नहीं, वहाँ पे हम लोग गए थे, हमारे प्रभारी जी वहाँ पर, सीएमएस ने कहा है कि वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है, तो उनसे नहीं मिला है उन्होंने डॉक्टर निवेदिता यहाँ पर सीएमएस उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, उसका इलाज अच्छे से चल रहा है, और 13 परिवार के लोगों ने लिखवाया कि 13 साल की बिटिया, नाबालिग बिटिया है, जिसके साथ बहुत ही अमानवीय कृत्य किया गया है, और निश्चित तौर से प्रभारी जी से और हमसे उन्होंने बताया है कि उसका बेहतर इलाज हम कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट अभी 2 दिन लगेगा आने में, और बिटिया अंडर कंट्रोल है। क्या कहेंगे इस तरह की घटनाओं पर राजधानी राजधानी लखनऊ हो या फिर? निश्चित तौर से मैंने पहले कहा कि जंगल राज चल रहा है, और जंगल राज में पूरी तरीके से समाज के अंदर, खास करके ये जो बच्चियों के साथ जो अमानवीय कृत्य हो रहा है, अयोध्या में हुआ, अभी आपने देखा लखनऊ के अंदर कई घटनाएं हो गई हैं, गाजियाबाद में हुआ लगातार, पूरे बनारस में हुआ लगातार, पूरे प्रदेश में ये बच्चियों, नाबालिग बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, और निश्चित तौर से सरकार उस पर कोई बड़ी कार्रवाई, उस तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है। 5 किलोमीटर की दूरी का असर ये घटना हुई? अरे मुख्यमंत्री के पूरा प्रदेश के मालिक हैं उनके, तो 5 किलोमीटर हो चाहे 50 किलोमीटर हो, जो अत्याचार अन्याय हो रहा है इस पर मैं समझता हूँ कि सरकार कोई भी मजबूत कार्रवाई और कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है, निश्चित तौर से चीजें बढ़ती जा रही है। परिवार के भाई से मिला, भाई निश्चित तौर से सदमे में है लोग, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ है, और इसको सरकार छुपाने का काम कर, आप देख सकते हैं दरवाजा बंद कर दिया गया है, हॉस्पिटल का दरवाजा बंद कर दिया गया है, ये निश्चित तौर से ये अस्पताल आम जनता के लिए है, क्यों? इसलिए कि कांग्रेस के हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, मैं और पूरे कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष से लेकर महिला कांग्रेस सब लोग हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और ये पूरी तरीके से छुपाने का काम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।